मेरे को ना मैं कुछ भूल नहीं सकता हूँ, ऐसा सीन हो गया मेरे साथ। मेरे को डरा दिया भाई, मैं डर गया सही में। हैप्पी एंजॉय और पंजाब इन गोबिंदगढ़ किला। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू फ्रेश व्लॉग। कल का जितना भी मैंने व्लॉग शूट किया वो मेरी मेहनत से व्लॉग शूट करा, क्योंकि सच्ची में व्लॉग करने का इतना ज़रा सा भी मूड नहीं था, क्योंकि मेरे को ना स्टीम फील हो रहा है, इतना पसीना पसीना गीला आया, फुल बॉडी गीली हो जाती है पसीने से ऐसे चुटकी भर में। जब मैं कल पूरा थका हुआ ट्रैवल करके आ गया वहाँ से, मैं नीचे नहीं सोया इसी रूम में, मैं ऊपर सोया छत पर। यहाँ पर अलग ही मज़ा आ गया मेरे को। यहाँ पर थोड़ा गद्दी जैसी डाल दी, छोटी सी टेबल जैसा, उस पर रजाई एक पास, पूरी रात यहीं पर सोया। आसमान को देखते देखते क्या मज़ेदार नींद आ गई। आई कांट एक्सप्लेन, सही में ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। एक्सपीरियंस लेने चाहिए। हर दिन कमरे में सोता है, बट मैं भी आज छत पे सो गया। ठंडी ठंडी हवाएं, बट इस टाइम पे ह्यूमिडिटी फील हो रही है दम में। फिलहाल जितनी देर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना उतनी देरी मेरे को पसीना पसीना हो गया। मैं जल्दी से नहाता हूँ, कुछ खा पीता हूँ, उसके बाद जाना है मेरे को GoPro की शॉप पर। GoPro से मेरे को लेना है बैटरीज 2 और, क्योंकि ये वाली बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। और सबसे ज़्यादा व्लॉग मैं अब GoPro से ही करूँगा, क्योंकि घर से फ़ोन आते हैं। अभी जस्ट 15 मिनट्स हो गए मैंने नहाया, एंड बाल देख सकते हो सूख गए, करकर वाले बाल हो गए। और इतनी गर्मी ना, प्रेशर कुकर सच्ची में, इसकी वजह से ठीक बैठा हूँ यहाँ पर। ज़बरदस्त गर्मी हो रही। आगे रास्ते पे होगा GoPro की बैटरी लाएंगे, नहीं होगा फिर देखते कभी। और इतना लंबा रास्ता है, बैटरी नहीं मिलेगी। स्विमिंग पूल नहीं है भाई, स्विमिंग पूल बहुत दूर है यार, कुछ पास में नहीं मिलेगा। जहाँ अपना एरिया ना, कुछ पास में नहीं है, सभी दूर है। मॉल दूर है, पार्क दूर है, गार्डन दूर है, हर चीज़ दूर है। गन्ने का जूस भी दूर है। GoPro बैटरीज हमें कहीं मिली नहीं, बस हम चलते चलते आगे की तरफ जाएंगे। इस वाले रोड पे बहुत लंबा दिख रहा है मेरे को ये वाला। और ट्रैफिक इन छोटी छोटी गलियों में भी है, लेकिन सही में यहाँ के लोगों के लिए ना कल ही जाना चाहिए इस धूप में रहने के लिए। मेन रोड पे उतना ट्रैफिक नहीं है जितना छोटी छोटी गलियों में है। गली में बहुत है। ये देखो मेरे साहब, फाइनली गन्ने का रस मिल चुका है। ये है, चिल्ड कर देना, ठीक है, ठंडा कर देना। अंदर वाला साइड है ना ये वाला, वहीं से चलते हैं, थोड़ा छाँव में। ऐसे हालत ख़राब हो जाएगी सही में। मेरे को फील हो रहा है कि गर्मी क्या है, बंदे को पिघल जाने का खतरा है, चार्जी पर भी गिर जाएगी सब चीज़। तो गाइस फिलहाल मैं अंदर जाने के लिए सोचा था, लेकिन मेरे को मोहित ने एक चीज़ बताया। क्या बताओ? अंदर कैमरा अलाउड नहीं है अब, पहले अलाउड था, पर जब से वो एक वारदात हुई है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। एक बंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब को लात मारी थी, तो उसकी वजह से उसको लात क्यों मारा था पता नहीं, क्या उद्देश्य था उसका, ऐसे ही आया था और पता नहीं लगा उसका। उस बंदे को क्या किया? माटा लग तो उधर भी। हाँ, खत्म। हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करो जी। आगे मेन गेट, बाय द वे दिस इज मेन गेट। ये ज़बरदस्त लग रहा है। फिलहाल अभी हम यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से पता है क्या, मेरे को बैठ बैठ कर ना स्टीम जैसे लगने लगी, पसीना। स्विमिंग पूल का प्लान कर ले डन जल्दी। वो करते हैं, वो करते हैं ठंडे पानी में, वो उबला पानी होगा। नहीं धूप से ठंडा नहीं होगा ना, शटर ऊपर ठीक है फिर सही है। सो गाइस फिलहाल अभी मैं निकला हूँ बाहर, अभी हमें जाना है, पता नहीं नाम क्या है उस जगह का, मेरे को याद नहीं रहता है, बट हम निकलते हैं। आप भी आओगे व्लॉग मेरे को। हमें जहाँ जाना है वो हमें सुबह जाना था, लेकिन हम सुबह नहीं गए। उसकी वजह ये है, दिन में और सुबह बहुत ज़बरदस्त धूप है, इस टाइम पर थोड़ी छाँव हो गई है। अब निकलते हैं। अब बोला आधे घंटे का रास्ता है। YouTube जब मैंने देखा गूगल करके, ज़बरदस्त लेवल की जगह। तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से। सो गाइस फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर के बाहर। फोर्ट मेरे पीछे से है, लेकिन टिकट काउंटर देखो ज़बरदस्त लेवल का है, कितना बड़ा है। ये मेरा पासपोर्ट मिल गया। आप पकड़ा हुआ तेरा, चलो आओ। हेलो सही है, 2000 रुपये की टिकट होगी। आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? हम कुछ नहीं कहना चाहते कहने के लायक नहीं छोड़ा, कहने के लायक नहीं छोड़ा। चलो देखते हैं क्या है अंदर इतने में। फिलहाल भी हम एंटर हो चुके हैं एन, ये देख सकते हो ये हमारे हाथों में लगाया, सबके हाथों में एक एक लगाया। उसका रीज़न ये है कि इससे पता चलेगा कि नहीं इन्होंने टिकट खरीदा है। पूरा सिक्योरिटी लेवल नेक्स्ट लेवल है, ज़बरदस्त। ये देखो यहाँ से पूरा आगे तक लंबा है, पूरा ग्रैंड फोर्ट है ये, रिच हेरिटेज। मेरे को एक चीज़ का डाउट था, मेरे को लग रहा था यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है, इसलिए मैंने अपना फ़ोन, इससे अपने को अच्छा मज़ा आता है ब्लॉग करने में। ये देख सकते हो यहाँ पर, एंड दिस वन भाई दो शेर ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमने इसमें जाना था, वाली राइड में मज़ा आता, लेकिन मेरे टाइम पर वहाँ पर नहीं थी। देखो ये एंट्रेंस देखो ज़बरदस्त। अगर मोहित ये तेरा सर पर गिर जाएगा एक काम ख़त्म, बजाएंगे घंटा। अबे भाई ये बहुत हार्ड है मुझे लगा घंटा बजाऊंगा, लेकिन ये बहुत हार्ड है, हार्ड टूट गया था। ये देख सकते हो सारा कुछ, लेकिन ये फोर्ट ना बहुत बड़ा है ना, यहाँ से भी बहुत सारा है भाई। ये दूसरी एंट्रेंस है यहाँ से, क्या जबरदस्त जगह है। यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, आगे भी रास्ता है, पूरा एक बड़ा सा है। प्रिजनर सेल, यहाँ पे उन बेचारों को बंद किया जा रहा था। भाई साहब कितने साल बंद हो गए होंगे? ये कम से कम 100-150 साल पुराना है, तब के टाइम पे जेल बंद हो गया। बाय द वे ये पूरे किले का मैप है, कहाँ से एंट्रेंस है कहाँ से क्या है। हम उस दरवाजे से आ गए अंदर से, पूरे यहाँ से एंट्रेंस, और फिर ऐसे हो गए पूरा। देखो कितना बड़ा है, ज़बरदस्त। इन जैसी प्लेसेस पे आने पे अलग ही मज़ा है, अलग ही वाइब्स आती है, कुछ सीखने को मिलता है यार। बहुत पहले वाली बात है, अगर मैं वो सब बातें ब्लॉग्स में बताऊँ ना फिर बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हल्का हल्का ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ से हम एंटर हो गए एंड देन यहाँ से देखो कितना भी अलग ही लेवल का है। तो फ्री होगा ना खाना? फ्री नहीं होगा, जब हमने 2000 रुपये दे दिए तो फ्री का नहीं होगा। ये थोड़ा फ्री नहीं होगा, ये अपनी कमाई कर रही है, अपनी दुकान है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्री की आदत है। फिलहाल अभी हम यहाँ से घूम कर आ गए हैं शेर पंजाब। क्या जबरदस्त जगह है भाई, इतना बड़ा हॉल है, जबरदस्त। यहाँ से बैठकर आराम से वीडियो नहीं बनाना है, ऐसे बना लो। मेरे को डरा दिया भाई, मैं डर गया। जबरदस्त रियलिटी लग रहा है। बाबा जी वो कौन ने? वो साडा महाराजा है, साडा अपना महाराजा रणजीत सिंह। इस तो पहला तो साडे ते बगाने ही राज करते सन। भाई ये हिल क्यों रहा है भाई? रात असी चिट्ठिया खिलाफ एक जंग जित के मुड़े, एक नंबर। साडा पुत्र साडे लई चित दी सौगात लेके आया है, इसलिए इसका ना होगा रणजीत सिंह। ये क्या है? ये पानी वाली लाइट वाइट, ठीक है। ये पाइप हिल रही थी इसीलिए महसूस हो रहा था। 70 सिस्टम था, जबरदस्त क्वालिटी की, सब कुछ चेयर ऐसे पकड़ते थे ना, सब कुछ हिल रहा था, महसूस हो रहा था कि हमारे सामने जो आप देखोगे ना वो महसूस नहीं होगा। मैं चेयर ऐसी हिल रही थी, पैरों के सामने देखो ये सब कुछ गीला कर दिया इन्होंने यहाँ। पानी, जैसे पानी में गिर रहा था छींटे पड़ रही थी, ऑटोमेटिकली एक नंबर ज़बरदस्त। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मज़ा मेरे को हार्ट को धक धक हो रहा है सही में। मैं ना हिल गया, मैं मतलब ये क्या पैरों में ऐसा हो रहा था, वही था क्या था। जब इंसान के पल्ले तलब नहीं होता वो जुल्म करता है, पर जब उसको ताकत नहीं होती तब उसको जुल्म सहना पड़ता है। जो मेहमान डिनर एंजॉय करना चाहते हैं, केसरिया दरबार वेरी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जी, आप वहाँ पे जाके डिनर एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली अब मेरे हाथ में असली कौन है यहाँ का बड़ी है भाई। वेरी गुड। दूसरा वाला नीचे से लगा है। हाँ ऐसा मेरा नहीं है, ठीक है। हैप्पी एंजॉय और पंजाब इन गोविंदगढ़ किला। यस थैंक यू ब्रदर। जो मेरा ऐसा तीर लग गया, ऐसा निशान मेरा नहीं था, एक तेरा ऑल बिकॉज ऑफ भैया, किसी ने हेल्प किया मेरे को। बहुत सही मजा आ गया, लेकिन सही में आज ना जबरदस्त एंजॉय किया हमने पूरा। चलें कुछ खाते पीते हैं, अभी क्या देखना है। पसीने से बुरा हाल, लेकिन मजा बहुत आ गया सही में, एक नंबर। फिलहाल इस प्लेस को करते हैं हम बाय। आने के टाइम उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस टाइम पे देखो जबरदस्त, अंदर अंदर जबरदस्त यार, एक नंबर। देखो भाई ऐसी जगह पे आओ, मजे करो यार, लाइफ इतनी छोटी है, एंजॉय मारो। ये मैंने कभी नहीं देखा था, मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन यार वर्थ इट। जितना पैसा लिया ना, पसीने से हाल लग रहा होगा, क्या मजा आ गया भाई। अंधेरे में इस जगह का व्यू जबरदस्त है ना, पूरा यहाँ से सन्नाटा, पूरा यहाँ से सन्नाटा। मेरे को एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे गोलगप्पे मस्त बनते हैं, मस्त बनते हैं गोलगप्पा में मस्ती यार। फिलहाल अभी हम घर पहुँचे हैं, पहले हम खाते हैं गोलगप्पे, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से ना मन बन गया था गोलगप्पे खाने का। ये रहा गेट के बाहर ही गोलगप्पे वाला था। मैं कितना भी जिम करूँगा ना, लेकिन इन स्टेप में ना मेरे को सब कुछ भूल जाता है, पर ऐसे ज़बरदस्त पानी है। फाइनली गोलगप्पे भी हो चुकी है, लेकिन मज़ा नेक्स्ट लेवल यार सही में। ठंडा पानी, चिल्ड, क्या बताऊँ मैं, सही मज़ा आ गया। अभी जस्ट मैं ऊपर आ गया एंड मैं दिखाता हूँ आपको हम कहाँ सो रहे हैं भैया और मैं। लुक यहाँ से हम यहाँ पर सोने वाले हैं, ज़बरदस्त फैन लगा हुआ, ये यहाँ पर सो रहे हैं मज़े से आराम से। फाइनली खाना पीना हो चुका है डन। मैं पहले वहाँ से आ गया, पूरा पसीने से भीग गया था, मैंने पहले नहाया आराम से ठंडे पानी से, तो फिर खाया मैंने पराठे दो। फिलहाल इस वीडियो को रखता है यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।